हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है 9:11, क्या शानदार समय है। और मैं आके खड़ा हूँ भाई किचन में, आ रही है बहुत शानदार खुशबू, क्योंकि भाई बना रही है मम्मी जी सुबह की गर्मा गर्म चाय। ये देखो भाई, मम्मी गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। और भाई चाय देखो गंजी में कितनी शानदार बन रही है, पूरे कमरे में खुशबू आ रही है। और अभी भाई मैंने सुबह सबसे पहले उठ के वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, तो कपड़े जब तक धुलते रहेंगे यहाँ मैं चाय पी लूंगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद भाई एक घान और कपड़ा धोना, तो मतलब दो घान कपड़े धोने हैं। तो चाय भाई फटाफट पीते हैं, और आधा धुल चुका है, आधा और धुल जाए तो उसको निचोड़ने में लग जाते हैं। पूरे कपड़े धोकर निचोड़कर सुखाकर भाई डाल दिए हैं छत पर। उसके बाद याद आया कि दोनों भाई के जूते भी हो गए थे भाई बहुत ज्यादा गंदे, अभी एक दो दिन बारिश हुई थी ना, तो पूरी मिट्टी मिट्टी हो गए थे। तो भाई दोनों जूते को मस्त ब्रश मार के शैम्पू से धोकर उसको भी वॉशिंग मशीन में सुखाकर भाई डाल दिए हैं धूप में। पूरा काम भाई निपटा कर नहा धोकर अब हो गए हैं भाई फुर्सत। गर्मा गर्म लंच तैयार है और गर्म गर्म थाली भाई मेरे हाथ में है। बनी है बहुत शानदार दाल, आम की चटनी, कटहल की बहुत शानदार सब्जी है, पापड़ है और पापड़ के ऊपर लगा हुआ मसाला है, और ये भाई चावल। पूरी थाली लबालब भरी हुई है और भूख लगी है भाई बहुत जोर से। गाइस झमाझम बारिश चालू हो चुकी भाई, और हवा भी भाई सन्नाटेदार चल रही, तूफानी बिल्कुल। और पानी दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, पानी बहुत तेज है। ये देखो दीवार पे आपको धार बहती हुई दिख रही होगी, ये देखो दीवार पे कितनी तेज पानी गिर रहा भाई, बहुत तेज पानी आ गया, पूरा धुएं वाला पानी है, गजब यार बहुत तेज। रुक जाओ मैं नीचे दिखाता हूँ, उससे समझ में आएगा कि आपको पानी कितना तेज है। ये देखो देखो ना बूंदे कितनी तेज गिर रही हैं, बहुत तेज पानी आ गया भाई, तूफानी पानी है। और पूरे मोबाइल में मेरे पानी पड़ रहा है भाई, बहुत तेज पानी, और हवा भी उतनी तेज है जितनी तूफानी पानी गिर रहा है उतनी तूफानी हवा चल रही है। गजब का मौसम है भाई, कुछ नहीं कह सकते, अभी धूप निकली थी अब पानी गिरने लगा। हम दोनों भाई तैयार हुए मार्केट जाने के लिए, बहुत जरूरी शॉपिंग करनी थी भाई, उसके पहले गिरने लगा इतना तूफानी पानी और तूफानी हवा चलने लगी है। अच्छा हुआ भाई 2 मिनट के कारण हम लोग ना रुक गए किसी काम के कारण, नहीं तो बाहर निकल जाते ना तो भीग जाते, गीले हो जाते, छीछा लीदल हो जाता भाई, किसी दुकान ही खड़े होना पड़ता या किसी मार्केट में खड़ा होना पड़ता पानी जब तक गिरता रहता। अच्छा है 2 मिनट के कारण रुक गए तो सही है। और पानी भाई बहुत तेज गिर रहा है यार, हवा तो इतनी तेज चल रही है पूरे डिब्बे पे पलट गए थे। मैंने सब बर्तन उठा के कुलिया में रख दिया है, नाली वाली सब बंद कर दी है, एक बाल्टी पानी भाई दरवाजे पे रख दिया, कोई बाहर जाएगा तो पांव धो के अंदर आ जाएगा। पर भाई पानी इतना तेज गिर रहा है ना कि बाहर जाने की सोच ही नहीं सकते, मोबाइल भी निकालेंगे ना तो पूरा मोबाइल गीला हो जाएगा और बिगड़ने का चांस भाई पानी में मोबाइल पूरा 100% रहता है, पानी गया मोबाइल खत्म। तो यही खड़े होते हैं पानी बंद होने का इंतजार करते हैं, जब पानी बंद हो जाएगा थोड़ा स्थिर हो जाएगा तब भाई हम मार्केट में निकलेंगे, फिर शॉपिंग करेंगे आराम से। समय हो गया है 4:45, दोनों भाई हो गए हैं तैयार, पानी पूरी तरह से बंद हो चुका है, मौसम पूरी तरह से खुल चुका है, बहुत शानदार मौसम हो गया है, और तैयार हो गए भाई चल रहे हैं मार्केट में। हमको पहले सामान खरीदना भाई पूजा पाठ का, ठीक है हम जा रहे हैं भाई नेक्स्ट ट्रिप पे ना, तो वहाँ हमको पूजन पाठ का भाई सामान खरीदना बहुत सारा। उसके बाद फिर जाएंगे भाई नेवाड़गंज सब्जी मंडी, तो वहाँ से हमको सब्जी भी लेनी है, फल भी लेना है और बहुत सारा सामान खरीदना है। तो भाई दिमाग बिल्कुल मस्त हो चुका है, मौसम बड़ी एक नंबर का एंजॉयमेंट हो चुका है, शॉपिंग करने में बहुत मस्त मजा आने वाली है, बाइक राइड करने में बहुत आनंद आने वाला है। तो मैंने पिट्ठू रख लिया है भाई, इसे पूजा पाठ का सामान रख लेंगे और अंदर एक थैला रखा उसमें पूरी सब्जी भाजी और अपना फल फूल रख लेंगे, ठीक है भैया 2 थैले ठीक रहेंगे, ज्यादा तो नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ से भाई बाइक उठाते हैं और सीधे चलते हैं भाई मार्केट। भैया हम गेट खोल रहे, आ जाओ फटाफट। हम लोग पहुंच गए भाई फुहारा मार्केट, रास्ते में भाई अच्छा पानी गिरने लगा, पूरे बाल माल देखो पूरे भीग गए, अभी चश्मा वश्मा पोछे, मोबाइल वाले पोछे, अब चलते भाई पूजन पाठ का सामान ले लेते हैं। और मस्त ट्रैफिक भी है भाई, क्यों पानी खुल रहा है बंद हो रहा है, कैसा ट्रैफिक बीच में आ रहा है भाई, गाड़ी भी स्लिप हो रही है मेरी कोहनी में ना, मेरी कोहनी में बाइक का हैंडल लग गया भाई बहुत तेज में, मोबाइल छूटते छूटते बचा। चलो चलते हैं पूरा पूजन पाठ का सामान लेते हैं। भाई साहब ने फटाफट भाई अपना सामान निकालना शुरुआत कर दिया, ठीक है ये चुनरी निकाल दी है, झंडा दिखाओ यार, झंडा देखो गाइस, झंडा
ये देखो कितना शानदार माता जी का झंडा है भाई, बहुत बढ़िया। अब आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान लग गया होगा, थोड़ा थोड़ा आपने गैस कर लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप पर। माता जी का झंडा है, चुनरी है और बाकी प्रसाद है, सिंगार है, बहुत सारा सामान निकलवाना है, तो फटाफट निकालो क्योंकि भाई लाइट भी जो है ना ऐसी डिम हो रही तेज हो रही, डिम हो रही तेज हो रही, क्यों? क्योंकि लाइट गोल है, बैटरी में बल्ब जल रहा है भाई। तो फटाफट अपना सामान निकाल के फुर्सत दो भैया, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, पूरा सामान निकालो, ठीक है? नहीं लाइट बंद हो जाएगी तो दिखेगा भी कुछ नहीं, फिर अपन को बैरंग जाना पड़ेगा वापस, इससे पहले सामान निकलवा ले भाई। पूजा पाठ का भाई पूरा सामान हमने ले लिया है और हमने थैले में रख लिया है। अब फिर से बादल घनघोर तरीके से छा चुके हैं, काले काले, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए उसके पहले जल्दी से घुस जाओ निवाड़गंज में, वहाँ पे लेंगे झमाझम सब्जियाँ फटाफट लेंगे। झमाझम सब्जी नहीं होती, हरी हरी सब्जी होती है। अरे झमाझम पानी गिरेगा, अच्छा पानी में झमाझम करोगे, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी ताजी ताजी सब्जी और फल लो और हाँ। घर को निकल लो। नहीं अभी बहुत सारे काम है, अभी कहाँ निकल लो, मार्केट करना शुरुआत करिए भाई, ठीक है ना? यहाँ से गाड़ी बढ़ाते हैं। पहुंच गए भाई हम लोग निवाड़गंज सब्जी मंडी और झमाझम पानी का भाई असर यहाँ पर भी है, पूरा पचर पचर मचा हुआ है। पन्नियाँ देखो ऐसे छा छा के लोग सब्जी बिक रही है और यहाँ आने के बाद ना कानों को बड़ा सुकून मिलता है। 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, 30 रुपए ले लो, 50 रुपए ले लो, 100 रुपए ले, सब्जियों की आवाज आती है भाई, बड़ा शानदार लगता सुनने में और अपनी एनर्जी आ जाती है सब्जी खरीदने का मन। कटहल का मौसम आ गया, कटहल बिकने लगे, पूरे में कटहल ही कटहल छाया है और हमारे भाई कटहल के भाई ये दुकान भी लगा ली जहाँ से हम कटहल खाते हैं, तो शानदार गैप हो गया था भाई। अब कटहल कटवाते बढ़िया से, जैक फ्रूट भाई, जैक फ्रूट। पूरी शॉपिंग हो गई भाई कम्प्लीट, सब्जी भी हमने ले लिया, फल भी हमने ले लिया है। समय हो रहा है 6:15 बजे का। पिट्ठू में भाई हमने कुछ फल रख लिए जो फटने वाले हैं और ये देखो थैला जो है ना ये पूरा भर चुका है भाई लबालब, और इसमें ठोस ठोस सामान भरे हैं, साथ लेने की भी जरूरत है, जगह क्या बोलते जगह नहीं बची भाई। मेरे पाँव पे पूरा थैला रखेगा ना, वजन बहुत वेट लगने वाला है। तो यहाँ से भाई पूरी शॉपिंग हो गई कम्प्लीट, मस्त मौसम में भी खुला हुआ है, पानी गिरने से पहले भाई अपन यहाँ से प्रस्थान कर जाए, नहीं तो गीला होना बिल्कुल भी हम नहीं चाह रहे हैं। तो फल इसमें बड़ी खुशबू आ रहा है इसमें से बैग में, तो मस्त खाना नहीं, खरबूजा 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 बहुत स्मेल करता है। अरे स्मेल नहीं करता, खुशबू देता है, देता है भाई, इतनी शानदार खुशबू आ रही, पूरा बैग गमक जाएगा। तो फटाफट गाड़ी निकालते हैं, यहाँ से प्रस्थान करते हैं। पहुंच गए भैया घर, पूरा सामान लाकर रख दिए हैं बढ़िया से, ठंडा ठंडा पानी पी लिए एक गिलास और फिर से भाई चलने के लिए हो गए तैयार। भाई रास्ते में हमको एटीएम नहीं मिली और हमको एटीएम से निकालना भाई कैश और लेना है मिठाई, तो दो बड़े काम छूट गए हैं, तो उन काम को करना भैया पेट्रोल भी अभी डलवाई लो रहे, टेंशन फ्री। चलो ठीक है, थोड़ा पेट्रोल भी डलवा दे रहा, थोड़ा बहुत पेट्रोल, टंकी हमारी भरी है, 1.5-2 लीटर बचा होगा, तो 2 लीटर भी पूरा डलवा के 1 लीटर आएगा बस। क्या बात कर रहे हैं, पूरी टंकी नकर नक कर ले रहे हैं, ऊपर पैक कर लेते हैं, ठीक है? और मस्त ये काम निपटाते हुए भाई आना है अपन को घर, तो फटाफट बाइक उठाते हैं और सीधे चलते हैं मार्केट। पहुंच गए भाई हम पेट्रोल पंप, हमारे टैंक लेवल अब तो है, पर 1 लीटर हम तेल और डलवा रहे हैं कि हमारे पूरी टंकी फुल हो जाएगी। तो ये देखो भाई धीरे धीरे डाल रहे हैं कि छलके नहीं, नहीं तो छलक जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। एटीएम पहुंच के भाई हमने कैश निकाल लिया है, बहुत ज्यादा नहीं निकाला, जितनी जरूरत थी उतना कैश निकाल लिया है, बाकी भाई अपना जे फोन पे वाला काम सबसे बढ़िया है, ठीक है ना भैया? ठीक, तो यहाँ से चल रहे भाई सीधे अपन मिठाई की दुकान पर। हम पहुंचे भाई मिठाई की दुकान पर, मिठाई की दुकान तो भाई पूरी तरह से बंद है यार, लग रहा है सुबह से नहीं खुली है, तो भाई ये तो गड़बड़ हो गए, पोपट हो गए यार मिठाई, तो अपन को मेन मिठाई लेने के लिए हम इतनी दूर आए थे, मिठाई की दुकान ही बंद है। एक काम करो, कल सुबह एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक काम करो, फोन लगा लेना भाई को, सुबह खोलेगा तो भाई अपन यहाँ से लेते हुए चल चलेंगे तो ठीक रहेगा। हम पहुंच गए भाई अपने घर से 1 किलोमीटर वाले मार्केट में, भाई साहब ले रहे हैं छाछ के पैकेट, देखो कितने 4 बड़े पैकेट ले लिए भाई साहब ने, ठीक है? एक्सपायरी चेक कर लेना, 5 तारीख तक है 5 तक। हाँ तो 5 तक तो कल तो पी जाएंगे उसे भी, चलो। और 2 दूध ले लेना, ठीक है? दो है नहीं, 4 का डेट ही एक्सपायरी हो जाएगी तो क्या मतलब पी के, बाद में खरीद लेंगे। हाँ फिर बाद में खरीद लेंगे, दूध ले लो 2 पैकेट बढ़िया। तो भाई ये जरूरी काम थे इसलिए हम इतना आउट घूमते हुए आए दूसरी वाली रोड से और काम हमारा
फुर्सत हो गया, हमें छाछ भी मिल गया, दूध भी मिल गया। इसको बोलते हैं दूध दही सब सही। भाई हमें याद आया कि हमें पानी की बोतल भी लेनी है, तो भाई साहब बोले चपटी चपटी बोतल आ रही है बहुत अच्छी सी, इसको रखने में भी कम्फर्ट रहेगा। क्या भैया जय बोल रहे हो? हम तो बोले जो अपने ब्रांड वाली पीते थे वो लो ना यार। इसमें क्या ऑफर है क्या? कुछ नॉर्मल रेट है ना, तो वही वाली ले लो अपन जो ब्रांड वाली पीते थे, नहीं तो ये अच्छी लगे तो ये ले लो। हमें तो पानी से मतलब है, पानी का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। कई कंपनी सुनो पिछले बार वो पानी का लेके गए थे बोतल, उसमें कैसा खरावन टाइप का पानी आ रहा था ना, अंदर जीभ में कड़वापन आ रहा था भाई। तो हर कंपनी की भाई बोतल का पानी बिल्कुल ना पिए, जो पीते हैं वही पिए। पहुंच गए भैया घर, और घर पहुंचते ही मम्मी जी ने मस्त भाई एक एक गिलास गर्मा गर्म चाय दे दी। मस्त चाय पी लो, चाय चाय गर्म। हाँ ये बिल्कुल आपके लिए भाई, बिल्कुल फ्रेश गिलास है, ठीक है, मैंने टेस्ट भी नहीं किया था आपको भाई। आप सबके लिए चाय प्रस्तुत है, उसके बाद हम पियेंगे। और भाई चाय पी के हमको तुरंत चलना भाई, हमारी हेडलाइट जो है ना वो बहुत दिक्कत कर रही है, कल तो अच्छी जल रही थी, बटन लूज है उसकी, आज लुप 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 हो रही। भाई साहब ने उसको बटन दबाते हुए यहाँ तक लेके आए भाई मदन महल से, पूरे 1 किलोमीटर वो जल रही है, बंद हो जा रही जल रही। तो ऐसे समस्या में भाई रोड पे कैसे काम चलेगा? तो अपन भाई साहब को फोन लगाए हमारे मैकेनिक भाई साहब को, बोले भाई साहब हम आ जाओ तो हम लाइट देख लेते हैं, मालूम उसको ठीक ही करवा लो भाई। अरे जल्दी चाय पियो, फटाफट सर्विस सेंटर में हो या प्राइवेट दुकान पे हो, कहीं भी बैठ के भाई काम उसको करवाना है, लाइट ठीक जल जाए तो भाई सबसे बड़ी समस्या भाई सॉल्व हो जाएगी। तो फटाफट चाय फिनिश करते हैं और बाहर चलते हैं। हम पहुंच गए भाई अपनी प्राइवेट दुकान पर, भाई आ चुका है और ये देखो इसमें कुछ डाल रहा है कि बोले बटन सेट हो जाएगी तो लाइट जल जाएगी, ऐसे काम होता भाई, देख रहे हो बढ़िया से। ये देखो इसमें ट्यूब डाल डाल के बटन सेट कर देंगे तो इससे लाइट जल जाएगी। जल रही है? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह वाह वाह, लाइट जलने लगी भाई। इसको बोलते भाई मैकेनिक, मैकेनिक जिसकी बंदरिया उसी से नाश्ती भाई। ये देखो शानदार तरीके से ऐसे बटन सेट हो जाएगी, तो ये उत्ते पे रुकी रहेगी ना, जलता रहेगा बढ़िया से। तो भाई ये देखो हमारी दुकान बंद हो चुकी है और भाई बिल्कुल रोड पे खड़े होकर पूरा काम हमारा कर दे, सर्विस सेंटर से आ गया भाई, घर जा रहा था हमने फोन लगाया, वो प्राइवेट दुकान में आ गया, दुकान बंद हो गई तो रोड पे ही गाड़ी सुधर रही भाई हमारी, बढ़िया से ट्यूब डाल के सेट कर रहे हो। देखो भाई हमारी लाइट चकाचक जलने लगी, एक नंबर की। 5-10 मिनट लगेगा इस बटन सेट होने में, जब तक हम खड़े हैं आराम से हमारी लाइट जल जाए तो भाई टेंशन फ्री हो जाएंगे हम। पूरा काम निपटाकर भाई पहुंच गए घर, मुंह हाथ धोकर हो गए हैं फुर्सत और आ गए भाई सीधे किचन में, क्योंकि भाई समय हो गया है डिनर का और गर्मा गर्म थाली भाई मेरे हाथ में है। बनी है भाई बहुत शानदार कटहल की सब्जी, कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, और आम की चटनी, पापड़, गर्मा गर्म चावल, पूरी थाली तैयार है और भूख लगी है भाई बहुत जोर से। हे गाइस, हो गई है बहुत रात, व्लॉग की करते भाई यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।